हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका सब्जेक्ट यानी कि MIL और नॉन MIL तथा लैंग्वेज जो हिंदी है स्टूडेंट्स, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आपका MIL, नॉन MIL तथा लैंग्वेज तीनों का अलग अलग है या एक ही है, क्या कुछ अंक विभाजन रहेंगे इसका, ये सारे चीज़ बढ़िया से बताने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट रिव्यू वाला सिलेबस में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको अंक विभाजन दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे का होगा, प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। दिए गए खंड क से 5 वस्तुनिष्ठ एवं 2 लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, ठीक है। 5 में से आपका 2 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे और 5 वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर देना अनिवार्य है, सारे का उत्तर देना अनिवार्य है। दिए गए खंड ख से 2 प्रश्न के उत्तर अपेक्षित हैं। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, खंड का वस्तुनिष्ठ रहेगा, खंड का लघु उत्तरीय रहेगा, दोनों रहेगा। उसके बाद खंड ख रहेगा, ठीक है। कि जो वस्तुनिष्ठ रहेगा वो 10 नंबर का और लघु उत्तरीय 2 ठो रहेगा वो 10 नंबर का। फिर खंड ख आपका 20 नंबर का रहेगा, 40 नंबर हो गया। ये नन हिंदी वालों के लिए, ठीक है, नन हिंदी या नन MIL का ये 40 अंक हो गया इधर से। और फिर 5 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन से मिलेगा और 5 अंक आपको उपस्थिति कॉलेज में होने से मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका MIL का है ये अंक विभाजन, ठीक है। कुल अंक रहेंगे आपका 100 अंक रहेंगे। इसमें 3 घंटे की होगी एग्जाम और प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे, क्रमशः लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ एवं दीर्घ उत्तरीय। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से जुड़ा खंड का अनिवार्य होगा। दिए गए खंड क से 2 लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर अपेक्षित हैं। दिए गए खंड ख से 4 प्रश्न के उत्तर अपेक्षित हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे है इसका अंक विभाजन। जैसे खंड क में वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय होगा तो दोनों होगा, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे एक एक अंक के। फिर इसमें होंगे 2 क्वेश्चन रहेगा, 5 5 अंक यानी कि 10 नंबर और इधर 5 अंक, ठीक है। फिर खंड ख जो रहेगा स्टूडेंट्स, ये 4 ठो बनाने हैं 15 15 अंक की, तो 60 इधर हो गए और इधर 15 यानी 75 अंक आपका हो गया। फिर जो बच रहा है 25 अंक, तो उसमें से आपका आंतरिक मूल्यांकन से 15 अंक मिलने वाले हैं और उपस्थिति के आधार पर 10 अंक यानी कि 25 अंक और 75 अंक आपका 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। अब सिलेबस की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं MIL का। MIL का सबसे पहले दिया हुआ स्टूडेंट्स, तो इसमें 100 अंक वालों बताए हैं और 75 उधर एक्सटर्नल और 25 इंटरनल मतलब आंतरिक। समय 3 घंटा पता है। फिर पाठ्यक्रम की इस भाग का अधिगम परिणाम निम्नवत होगा। इसका परिणाम आप यानी कि आप इसको पढ़ेंगे तो आप के अंदर क्या क्या एबिलिटी आएंगी, ठीक है। तो विद्यार्थियों में भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित हो सकेगी। व्याकरण की दृष्टि से वे सही वाक्य लिख सकेंगे। विद्यार्थी लेखन कला सीख सकेंगे। तो ये सारा आपको एबिलिटी यानी कि आपका योग्यता प्राप्त होगा इसे पढ़ने से। इसका सिलेबस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रस्तावित संरचना, इकाई 1 में लेखन कौशल, लेखन अर्थ विशेषताएँ, महत्व एवं प्रकार, मीडिया लेखन, समाचार, संपादकीय फीचर, संपादक के नाम, पत्र, संवाद लेखन, जीवन वृत्त, बायोडाटा। तो ये आपको बढ़िया से कवर कर लेना है, पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए बुक भी लास्ट में बताएंगे वीडियो के। फिर है स्टूडेंट्स इकाई 2 में है टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन, ज्ञापन, अनुवाद, संक्षेपण, पल्लवन। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इकाई 3 में स्टूडेंट्स कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ये लगता है शायद आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान जाइए, पढ़ लीजिएगा जो बुक लास्ट में बताएंगे वीडियो के, ठीक है। इकाई 4 में स्टूडेंट्स लिंग निर्णय। फिर है मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है। और इतना सारा पढ़ने के लिए आपका बुक यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। फिर नन हिंदी के लिए भी है और उसका भी बुक दिया हुआ है, ठीक है। तो सहायक ग्रंथ के रूप में आप जैसे कि होगा बुक जो आप पढ़ेंगे, प्रयोजन मूलक हिंदी, विविध परिदृश्य, पवन अग्रवाल, अलका प्रकाशन, कानपुर, ये आप पढ़ सकते हैं। हिंदी प्रयोग, रामचंद्र वर्मा, लोक भारती प्रकाशन, प्रयागराज। अच्छी हिंदी, जगदीश प्रसाद कौशिक, साहित्यागार, जयपुर।
हिंदी व्याकरण वासुदेव नंदन प्रसाद भारती भवन पटना। संचार माध्यम लेखन गौरी शंकर रेणा वाणी प्रकाशन नई दिल्ली। तो ये कुछ बुक थे स्टूडेंट्स MIL को कवर करने के लिए। अब देख लेते हैं नन MIL एंड हिंदी के लिए, ठीक है। तो ये आपका 50 अंक का होगा वो पता है स्टूडेंट्स, फिर 40 जो रहेगा 10 अंक वो 5 अंक इंटरनल एग्जाम के बेसिस पर, और फिर 5 अंक आपका देगा जो उपस्थिति रहेगा उसके आधार पर, ठीक है। तो मिला के आपका 50 अंक हो गया। इसमें स्टूडेंट्स क्या क्या योग्यता आपका प्राप्त होगा, तो विद्यार्थियों में औपचारिक अनौपचारिक विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित हो सकेगा, व्याकरण की दृष्टि से वे सही वाक्य लिख सकेंगे, विद्यार्थी पत्र के माध्यम से लेखन कला सीख सकेंगे, तो ये सारा आपका एबिलिटी प्राप्त होगा। फिर स्टूडेंट्स प्रस्तावित संरचना यानी कि आपका सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, पत्र लेखन के बारे में जानना स्टूडेंट्स, औपचारिक और अनौपचारिक ज्ञापन, फिर इकाई दो में निबंध और पल्लवन के बारे में जानना, फिर इकाई तीन में कारक संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, तो ये आपको जानना है, ठीक है। फिर इसके लिए जो बुक है स्टूडेंट्स कौन कौन से बुक पढ़ने से आपका ये क्लियर हो जाएगा, तो हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए डायरेक्ट उमेश चंद्र शुक्ल वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, सरल हिंदी व्याकरण वासुदेव नंदन प्रसाद भारती भवन पटना। तो ये दो बुक थे स्टूडेंट्स जो बढ़िया इसमें सजेस्ट किए गए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, और ये दोनों क्लियर हो चुके हैं अब। तो चैनल में नए होंगे स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी कोई इससे संबंधित वीडियो बनाएंगे तो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।